हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 8:15 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। अपने लिए ये दूसरी चाय है, ये ड्यूटी जा चुके हैं और मैं भी झाड़ू लगा ली हूँ, बेड वगैरह ठीक कर ली हूँ और जो थोड़े बहुत बर्तन थे चाय के वो धो ली थी। अभी दूसरी चाय आई हूँ बनाने के लिए। काम करने के बाद फिर मन होता है ना कि थोड़ी देर बैठ के चाय पिए, और अभी ठंड का टाइम है तो एक दो बार चाय मॉर्निंग में तो हो ही जाती है और मुझे आदत भी है कई बार चाय पीने की। और मैं लगातार काम नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसे बैठ बैठ के काम करती हूँ जिससे मेरे काम लेट होते हैं। पूरा दिन तो वैसे काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन अगर रेस्ट लेके ब्रेक लेके काम करते हैं तो ठीक रहता है। और आप सामने देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली है। अभी सुबह का टाइम है और अभी देख सकते हैं बाहर 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत तीखी धूप निकल रही है, जिस वजह से ठंड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रात में थोड़ी बहुत ठंड लगती है पर वो भी रजाई या कंबल ओढ़ने का मन नहीं करता है, एक पतली सी चादर लेते हैं। और आज नहीं गया है टाइगर तो ज़िद कर रहा है, परेशान कर रहा है क्योंकि बाहर प्रोग्राम होने वाली है गली में ही, तो वहाँ पे टेंट वगैरह लग रही है तो इस वजह से नहीं लेके गए, तो परेशान हो रहा है। क्या हो गया? का किसने मारा तू? माता का जागरण होने वाली है रात में गली में ही, तो इसके लिए सुबह से ही तैयारी चल रही है। तो रास्ता ब्लॉक है इसलिए इसको नहीं लेके गए हैं, गली में घुमा दिए हैं। पर ये इतना गुस्सा हो रहा था, मुझे दांत काट रहा था और पैर से ऐसे देख सकते हैं कि कितना ये खरोच रहा था। गुस्सा हो रहा था कि बोलो कि अनु लेके जाएगा, क्योंकि ये तो जा चुके हैं ड्यूटी। तो मैं भी गुस्सा हो रही थी अनु पे कि अनु देख रहा है कि ये कितना जिद कर रहा है, तो थोड़ा ले जा इधर उधर ही टहला दे तो ये शांत हो जाएगा। चाय भी नहीं पीने दे रहा है मुझे शांति से। तो जब मैं अनु पे गुस्सा हुई हूँ तब ये शांत हो गया है, क्योंकि इसको पता है कि मम्मा बोल दी है तो अब तो वो लेके जाएगा। इसको सब समझ में आती है पर बस वो छोटे बच्चे जैसे जिद नहीं करते वैसे ही ये जिद करते रहता है। तो जब मैं अनु को आवाज़ लगाई हूँ तब जाके शांत हो गया है। तो अब जाती हूँ पूजा हो गई है और अभी बाल ठीक करने के लिए, और अभी बाल गीली है। आज मैं शैम्पू की हूँ, मंगलवार है, मुझे मंदिर जाना है। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ मंदिर जाना है, पास में ही मंदिर है लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। ये चले जाते हैं गाड़ी से दोनों, इस अनु और इसके डैड, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। तो आज मैं कहीं हूँ मैं जाऊँगी, तो बाल ऐसे ही खुली रखती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। वैसे भी मुझे हेडेक होने लगती है अगर सर गीला रहता है तो थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ मेकअप तो करती नहीं हूँ, लिपस्टिक वो भी लिपस्टिक अब लगाने लगी हूँ, पहले वो भी नहीं लगाती थी। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ हो गई है, अब जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता अभी नहीं बनाई हूँ, आज नाश्ते में दही चूड़ा ही सबने खाया है, अन्नू को भी और उसके डैड को भी दही चूड़ा ही दी हूँ और मैं भी वही खाऊंगी। तो मैं ये कॉटन का कुर्ता पहनी हूँ। चलिए तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी गर्मी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है तो मन नहीं होता है सुबह सुबह कुछ ऐसा खाने का,
तो मैं कहीं आज दही चूड़ा ही सबको नाश्ता कराती हूँ, और वैसे भी गर्मी आ रही है तो अभी सुबह सुबह हल्का नाश्ता करना और नमक मिर्च जितना कम खाए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी सर्दी तो पराठे पराठे हम लोगों ने बहुत खाए हैं, तो अब थोड़ा कंट्रोल करेंगे पराठों पे। तो मैं अब मिल रही हूँ डायरेक्ट आप सबको शाम में। मैं दोपहर में कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो अभी शाम का टाइम है, चाय पी रही हूँ। ये चाय पी लिए हैं और ये अपना फ्रेश हो रहे हैं, तब तक मैं चाय पी के और फिर जाती हूँ मंदिर। और टाइगर देख सकते हैं, ये सुबह से इसका ड्रामा चल ही रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, बार बार गेट पर ही आके खड़ा हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ आज तू बाहर जा नहीं सकता है, और जो बाहर की डॉग हैं जो आते हैं खाना खाने के लिए तो वो आज आ नहीं सकते हैं। और प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर रास्ता तो पूरी तरह से ब्लॉक है। तो मैं भी आज ना हम लोग चल के ही जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती है, देख सकते हैं रास्ता बंद है। तो पास में ही मंदिर है, 5 मिनट भी नहीं लगता है जाने में, या 5-7 मिनट लगेगी जाने में। तो मैं कही चलो चल के ही चले जाते हैं, और पहले उधर ही रहते थे, जिधर मंदिर है उधर ही रहते थे। और कई बार मंदिर शेयर भी की हूँ, मंदिर की वीडियो, पर आज फिर मैं आप सबको भगवान का दर्शन करवाऊँगी। तो पहले 7-8 साल मैं इधर ही इसी मकान में रही हूँ, और उसके बाद मकान शिफ्ट किए हैं, तो जिसमें अभी रह रही हूँ उसमें भी 1 साल हो गया है। पास में है मंदिर, फिर भी मैं नहीं आ पाती हूँ। ये शनिवार और मंगलवार दोनों ही आते हैं, अन्नू और ये दोनों आ जाते हैं, और देख सकते हैं बाइक से। अभी तो ठंड का टाइम है, तो जल्दी ही सब आके चले गए होंगे। जब गर्मी का टाइम आएगी तब तो रात के 10-11 बजे तक ऐसे ही बाइक से दूर दूर तक से लोग आते हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तभी मुझे बताया गया था कि ये बहुत ख़ास मंदिर है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, तो सबने बताया था कि मंदिर जाया कीजिए, बहुत ही ख़ास मंदिर है, यहाँ पे जो मांगते हैं सब मुरादें पूरी होती हैं, आपकी सारी विशेष पूरी होगी। तो पहले तो ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था, पर हाँ 9-10 साल हो गए हैं हमें आए हुए, और हमें भी मतलब जो हमने नहीं सोचा था वो सब हमें मिला है, हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। तो मैं भी मानती हूँ, और मैं आऊँ या ना आऊँ लेकिन ये हर शनिवार मंगलवार को आते हैं, क्योंकि शनि भगवान भी हैं और बजरंगबली भी हैं। हाँ देख सकते हैं डॉग यहाँ बैठा है, दिन भर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको यहाँ पे प्रसाद है, खाने पीने को मिलती रहती है, तो इस वजह से। चलिए तो मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मंदिर से, और देख सकते हैं 9:15 हो रही है, और अब जाऊँगी तो अब डिनर बनाऊँगी। मंदिर में थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ पे बैठ गए पाठ वगैरह करने के लिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।